and I'm from America. So I'm going to tell you, but I'm going to tell you two children's poems from England. इन्होंने बोला इनका नाम क्या है? Stanley sir. ये अमेरिका से आए हैं. कहाँ से आए हैं? अमेरिका. तो ये आपको आज एक पोएम बताने वाले हैं. क्या बताने वाले हैं? फिर भी पढ़ी है सबने? Yes. तो वो कह रहे हैं कि वो आपको जो इनकी जगह से है वहाँ से एक पोएम बताएंगे, उसको डिपिक्ट करके एक्शन के साथ या किसी चीज के साथ. ठीक है? इंटरेस्टेड है? Everybody is interested in this one? Yes. The king asked the queen. एक राजा था, उसने रानी से कुछ पूछा. And the queen asked the dairy maid. और जो रानी थी, उसने दूध वाले लोग आते हैं ना, उनसे पूछा. Could we have some butter for the royal slice of bread? तो उसने उनसे पूछा कि क्या मेरे को आप थोड़ा बटर दे सकते हो, किसके लिए? ब्रेड पे लगाने के लिए. The queen asked the dairy maid. The dairy maid said, certainly. तो उन्होंने dairy maid ने क्या बोला? दूध वाली ने क्या बोला? जरूर आपको मैं बटर दूंगी. Says, I'll go and tell the cow now before she goes to bed. तो उन्होंने dairy maid ने क्या बोला? dairy maid का मतलब समझ गए ना? Yes. तो dairy maid ने क्या बोला कि मैं जाके किसको बताऊंगी? So the dairy maid, she curtsied. तो अब obviously वो रानी के सामने है ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हल्का सा bow किया. And she went and told the cow, don't forget the butter for the royal slice of bread. उन्होंने जाके गाय से बोला कि बिल्कुल बटर नहीं भूलना कल सुबह राजा की ब्रेड पे लगाने के लिए. Who wants to be the cow? कौन चली आई है कोई? Who wants to be the cow? Okay. So, you know how a cow talks. So the cow. आइए, please. Oh. So the cow said in a sleepy voice. The cow said, you should tell the king. The guy, तो वो बोल रहे हैं कि जब ये गाय आ गई तो गाय को बोला कि इसको बताना दूध देना है. तो गाय ने क्या बोला? तुम राजा को कुछ बोलना. That many people now like jam, not butter, on your bread. तो गाय ने बोला कि राजा को तुम बोल देना कि अब लोगों को जैम पसंद है अपने ब्रेड पे बटर की जगह. So the dairy maid, she said, oh, and she went to the queen. तो जो डेयरी मेड है वो किसके पास गई? रानी के पास. किसके पास? रानी के पास. Okay. And she curtsied before the queen and she blushed. और फिर जब वो रानी के पास आई तो उन्होंने क्या किया? बाव. बोली बाव. उसने आप बड़ों से मिलते तो बाव करते हैं ना. Yes. तो उन्होंने बाव करा और फिर उनका चेहरा कैसा हो गया? लाल. कैसा हो गया? And she said to the queen, excuse me, your majesty, but many people nowadays like jam if you spread very thickly. तो फिर उन्होंने बोला, डेयरी मेड ने क्या बोला क्वीन से कि आपने तो मक्खन मांगा था, पर अब क्या होने लगा है आजकल की दुनिया में कि लोग क्या पसंद करने लग गए? जैम. तो वो कह रहे हैं बटर नहीं, अब आप जैम खाना. So the queen said, I see. And she went to the king. तो रानी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं जाके राजा को बताती हूँ. She said, speaking of the butter for the royal piece of bread, many people nowadays prefer jam. तो उन्होंने जाके राजा से क्या बोला कि आपको तो सुबह ब्रेड के साथ क्या चाहिए था? बटर. पर उन्होंने बोला अब क्या हो गया है, आज के लोगों को क्या खाना पसंद है? She said, would you like some jam instead? तो उसने राजा से पूछा, क्या आप जैम खाना पसंद करेंगे? And the king said, oh dear me. राजा ने क्या बोला? And then he cried, oh dear me. और राजा क्या करा?
And then he saw no. And he went back to his bed. He said, nobody would call me a fussy man. I only want some butter for my bread. The queen said, there. She went to the dairy maid. Dairy maid. And the dairy maid said, there. और डेली मेड ने क्या कहा कोई बात नहीं मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए क्या ले आऊं बटर एंड शी वेंट टू द शेड काउ शेड और फिर वो किसके पास गई काउ किसके पास काउ एंड द काउ सेड देयर काउ ने कहा कोई नहीं मैं भी कोशिश करूंगी आई डिडंट रियली मीन इट तो गाय ने क्या बोला कि मैं तो आधी नींद में थी तो मैंने असली में क्या ऐसे ही बोला मैंने Here's some milk for the cow, for the king to drink, and some butter for his bread. तो गाय ने क्या बोला कि ये लो आपके लिए थोड़ा दूध और थोड़ा दे दिया ना? And the queen took the butter. और रानी ने क्या किया? मक्खन को लिया. And she went to the king. और राजा के पास गई. अब राजा ने क्या किया देखिए. And the king said butter. क्या बोला राजा ने? And he said, nobody could call me a fussy man. He jumped into his trousers. He said, nobody could call me a fussy man. As he slid down the stairway to the dining hall. अपने बेडरूम से कहाँ गया डाइनिंग रूम कहाँ गया डाइनिंग रूम बट आई डू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ बटर फॉर माय अब वो बोलने लगा कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी किया लेकिन मेरे को क्या खाना पसंद है या एंड द पोएम